अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा यूट्रस। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हम लोग ओवरी और यूट्राइन ट्यूब के मतलब पढ़ चुके हैं, तो अब जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है यूट्रस, ठीक है, सर्विक्स और वजाइना। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, ओवरी और यूट्राइन ट्यूब के अलावा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हेडिंग जैसे कि आपको नजर आ रहा है यूट्रस है। तो यूट्रस क्या थी? ओवराइन ट्यूब या फ्लोपियन ट्यूब जिस स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं या जिस स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं उसे हम लोग यूट्रस कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? ये एक हॉलो अंदर से खोखला मस्कुलर बैग होता है, यानी कि ये मसल से मिलके बना होता है। और करता क्या है? ये रिसीव करता है एग को। ठीक है, यूट्राइन ट्यूब किसमें? यूट्रस में आके ओपन होती है, तो यूट्रस क्या करता है? ये रिसीव करता है एग को, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो जायगोट को। ठीक है, कब? ओवरी से जो एग निकला था, ठीक है जी, उसको निकलने के 7 दिन बाद वो यूट्रस में आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या जी? जैसा कि डायग्राम में भी हमें नजर आता है ये अंदर से खोखला है, तो इसलिए इसकी जो डेफिनेशन यूज की जाती है वो क्या जी? यूट्रस इट इज अ होलो मस्कुलर, ठीक है, ये अंदर से खोखला और मसल से मिलकर बना है। स्मूथ मसल नॉर्मली इसमें पाए जाते हैं। और क्या जी? बैग है, ठीक है जी, हॉलो मस्कुलर बैग। बैग हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरह बैग बस्ते के अंदर कोई ना कोई चीज रखी जाती है, ठीक है, स्टोर की जाती है, रखी जाती है, जब जरूरत हो तो निकाली जाए, जैसा कि किताबें हम लोग रखते हैं, तो इसी तरह जो यूट्रस है ये बिल्कुल बैग की तरह काम करता है। इसके अंदर कोई चीज आकर रखी जाएगी, वो क्या जी? ऊपर से जो एग आ रहा है वो स्टोर होगा, फिर जरूरत के तहत इसे वहां से निकाल दिया जाएगा। अगर वैसे इंक्यूबेशन साइकिल हो रहा है तो वो डीजनरेशन के प्रोसेस से तबाह हो गए, ठीक है, मीजन्स की फॉर्म में निकल जाएगा, ब्लीडिंग की फॉर्म में। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इन द शेप ऑफ अ बेबी वो डिलीवर होगा। तो यूट्रस क्या जी? ये हॉलो है, मस्कुलर बैग है, देन उसके बाद, और ये ऑर्गन है, ठीक है जी, ऑर्गन है। और करता क्या है? फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसकी मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होता है। अब रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या है जी? फीमेल के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी या दो तरह के साइकिल चलते हैं, ठीक है जी। तो जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है वो दो तरह की, या तो इसका जो मंथली साइकिल है वो कंट्रोल किया जाएगा जो 28 डेज का है, ठीक है, जिसे हम लोग मेंसेंचुरल साइकिल के नाम से पढ़ते हैं। और इन केस ऑफ नॉन ह्यूमन फीमेल, ठीक है जी, दूसरे जानवर के जो फीमेल पार्ट है उनमें, उनके अंदर ये एस्ट्रस साइकिल में इन्वॉल्व होता है। और दूसरा जो है वो है प्रेगनेंसी। ठीक है जी, तो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में या ये इनका 28 डे साइकिल्स का मेंसेंचुरेशन साइकिल कंट्रोल कर रहा है, या प्रेगनेंसी जो कि 280 डे या गेस्टेशन पीरियड जिसे हम लोग कहते हैं वो कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, अब जैसे कि हमने पहले इंट्रो में बात की थी, ये एग को, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो जायगोट को रिसीव करता है। कब? ओवरी से निकलने के 7 से 8 दिन के बाद, ठीक है। एग ओवरी से निकलता है और यूट्राइन ट्यूब से यूट्रस तक का जो इसका सफर होता है वो 7 to 8 डे का होता है। अब करता क्या है वो हमने यहां पे पढ़ लिया है, मेनली प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में इसका काम होता है। अब शेप की तरफ आते हैं, ठीक है, साइज और शेप। तो जो एक नॉर्मल वर्जिन फीमेल है, ठीक है जी, ऐसी फीमेल जिसने इंटरकर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया, ठीक है, अभी वो प्योर है, तो उसके अंदर ये फीमेल की जो विस्ट होती है, ठीक है जी, ये जो पंच होता है इसके इक्वल होता है या इसी का जितना साइज इसका होता है। शेप कैसी है जी? इन्वर्टेड पियर, जैसा कि नाशपति को उल्टा रख दिया गया हो उस फॉर्म में होता है इन्वर्टेड। और इसकी जो डायमीटर होता है, ठीक है जी, वो डायमीटर की बात की जाए तो वो 4 to 6 centimeter होता है, 4 to 6 centimeter इसका डायमीटर होता है एक यूट्रस का। ये वर्जिन फीमेल की बात की जा रही है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव कभी नहीं की। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद इसकी शेप थोड़ी सी, जिसे हम कहते हैं, बिगड़ जाती है, थोड़ा सा उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये उस फीमेल की यूट्रस की बात की जाएगी जिसने कभी भी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं किया। अच्छा, देन अब हम लोग बात करते हैं जी
यूट्रस की टाइप्स की, ठीक है जी। टॉपिक तो हमारा फीमेल, ह्यूमन फीमेल ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा जो हमने बात यहां पे करनी है वो यूट्रस की शेप के लिहाज से कितनी टाइप्स हैं। तो यूट्रस की जो शेप है उसके लिहाज से इसकी तीन टाइप्स जनरली हमें मिलती हैं, ठीक है जी। जिसमें बल्कि यहां पे एक चीज पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि तीन टाइप्स हमें मिलती हैं, ठीक है, वो हमने अभी बात करनी है। यूट्रस की अगर हम आते हैं तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक अक्सर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि ये जो यूट्रस होता है ये किसकी मॉडिफाइड किस्म है। तो मलेरियन डक्ट एक होती है जिसकी ये क्या होती है, मॉडिफाइड फॉर्म होती है। ठीक है जी, मलेरियन डक्ट की क्या है जी, मॉडिफिकेशन। और जो मलेरियन डक्ट होती है इसके दो हिस्से होते हैं, जो इसका इंटीरियर पार्ट होगा वो यूट्राइन ट्यूब में डेवलप हो चुका होगा, जो इससे पिछली वीडियो में हमारा टॉपिक था, और जो इसका पोस्टीरियर डाउनवर्ड पार्ट होगा नीचे की तरफ जो मौजूद इसका पार्ट होगा वो मॉडिफाइड होके यूट्रस बना देता है। अब क्योंकि यूट्रस में प्रेगनेंसी यहाँ पे कंसीव होती है, ठीक है, यहाँ पे बच्चा डेवलप कर रहा होता है, उसकी पूरा प्रोसेस चलता है, तो यूट्रस को हम लोग बच्चा दानी के नाम से भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में इसे वॉम्ब भी कहते हैं, ठीक है जी, इंग्लिश में इसका नाम, ठीक है जी, वो जगह जहां पे एक बेबी की डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं जी इसकी टाइप्स के ऊपर। शेप की बात हमने कर ली, टाइप्स, तो यूट्रस की तीन टाइप्स होती हैं डिफरेंट शेप के लिहाज से। कौन कौन सी हैं हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो आती है, ठीक है जी, जो फर्स्ट यूट्रस की टाइप होती है उसे हम लोग कहते हैं डुप्लेक्स, ठीक है, डुप्लेक्स यूट्रस। इसमें क्या होता है, जो यूट्रस होगा, ठीक है जी, पहले हम लोग यूट्रस होता है ये एक, जिस तरह फीमेल के अंदर हमें एक पूरे का पूरा यूट्रस नजर आता है, दो डिफरेंट यूट्राइन ट्यूब आके एक यूट्रस में खुलती है, ऐसा नहीं होता। डुप्लेक्स यूट्रस में क्या होता है जी, दो डिफरेंट यूट्राइन अपने अपने अलहदा यूट्रस के साथ होती है और वो नीचे आके सर्विक्स के मकाम पर जुड़ती हैं, ठीक है। तो इसकी तीन टाइप्स होती हैं, सबसे पहली क्या जी, डुप्लेक्स यूट्रस, ठीक है जी, क्योंकि दो होते हैं तो एक होगा यूट्रस, दो होंगे तो यूट्राई। अच्छा, जो दूसरी फॉर्म है उसमें भी क्या होता है, दो यूट्राई होती हैं और दो ही ओवरी यूट्राइन ट्यूब होती हैं, ये दोनों सर्विक्स के ऊपर आके जुड़ जाती हैं और एक सिंगल सी ओपनिंग बनाती हैं जिसकी वजह से दोनों यूट्रस में से जिस तरफ से भी एग आएगा वो यहाँ पे एक ही रास्ते से सर्विक्स में जाएगा। तो ऐसी जो यूट्रस की शेप होती है उसे हम लोग कहते हैं बाईपैराटाइट, ठीक है जी, उसे हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, बाईपैराटाइट, ठीक है जी। और जो तीसरी किस्म है, जैसा कि हमें सामने भी नजर आ रहा है, जिसमें यूट्राइन दो होती हैं लेकिन यूट्रस एक ही होता है, दोनों यूट्राइन्स एक ही यूट्रस में आके खुलती हैं, इसे हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स, ठीक है जी। तो तीसरी टाइप क्या जी, सिंप्लेक्स यूट्रस। तो ये तीन टाइप हैं ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ यूट्रस ऑन डिफरेंट स्पीशीज। अब हम इसकी इमेज भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये तीन किस्म की हमें इमेज मिलती हैं, ठीक है जी, जानदारों के अंदर ये तीन किस्म की यूट्रस होती हैं। तो सबसे पहले ये वाली यूट्रस जिसमें दो यूट्राइन ट्यूब्स हैं, ठीक है जी, मैं थोड़ा सा क्रीप करके दिखा देता हूं आपको, जिसमें क्या है जी, दो यूट्राइन ट्यूब्स हैं और वो एक यूट्रस में ही आके खुलती हैं। इसमें यूट्रस सिंगल है, ठीक है, दो टाइप्स का यूट्रस नहीं है, ये दो यूट्रस नहीं है। ऐसी टाइप की जो शेप होती है यूट्रस की उसे हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स यूट्रस, और ये एपीस और ह्यूमन इनमें पाया जाता है। अब दूसरी टाइप में जो यूट्रस होता है दो यूट्राइन ट्यूब्स हैं और दो डिफरेंट यूट्रस आके सर्विक्स में ओपन होते हैं, ठीक है जी, दो ही यूट्राइन ट्यूब्स हैं, दो ही क्या जी, यूट्राई है। ऐसी टाइप के यूट्रस को हम लोग कहते हैं डुप्लेक्स यूट्रस, और ये रोडेंट्स और एलिफेंट में पाया जाता है।
और जो तीसरी टाइप है इसमें दो यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं, यूट्रस भी दो होते हैं लेकिन सर्विक्स से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है जी, ये एक सिंगल अपर्चर बना देते हैं, ठीक है, फ्यूज होके एक ही स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है जी, जो इस और इसी टाइप की हम लोग कहते हैं बाई पैर टाइट, और ये किन में होती है, कैटल्स में, पिग में, ठीक है, उनमें जो फीमेल होगी उसकी यूट्रस की शेप इस तरह की होती है। तो ये तीन शेप्स होती हैं जिसमें सिंगल यूट्रस है सिंप्लेक्स, ठीक है जी, दो डिफरेंट यूट्रस हैं इंडिपेंडेंटली वो आके सर्विक्स और वजाइना में ओपन होते हैं, उसे कहते हैं डुप्लेक्स, और दो डिफरेंट यूट्रस होते हैं लेकिन सर्विक्स में ओपन होने से पहले वो फ्यूज होके एक ही स्ट्रक्चर बना देते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रहते बल्कि एक सिंगल अपर्चर के जरिए खुलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बाई पायर टाइट, ठीक है। ये तीन टाइप्स की जो यूट्रस की टाइप्स होती है वो हमें मिलती हैं डिफरेंट एनिमल में। अच्छा जी, अब आते हैं हम यूट्रस के स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है जी। तो अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो है स्ट्रक्चर, अब यूट्रस के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये तीन तरह के, जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा था ये मस्कुलर है तो ये मसल से मिलके बना है, लेकिन तीन तरह के हम लोग इसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका सबसे बाहर वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, ये कनेक्टिव टिश्यूज का होता है और ये दो ग्लैंड बनाता है, लिंगेड करता है, जो इसे पेल्विक की दीवारों के अगेंस्ट रखते हैं, ठीक है। तो इसकी जो पहला स्ट्रक्चर है वो क्या जी, पेरीमेट्रियम, ठीक है, ये आउटर है, आउटर पार्ट होता है और है क्या जी, कनेक्टिव है, और करता क्या है, ठीक है जी, ये दो बैंड बनाता है जो लिंगेड कर देते हैं अगेंस्ट पेल्विक, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर जो कि कनेक्टिव इन नेचर होती है जिसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, और ये जो पेरीमेट्रियम होती है ये करती क्या है, ये दो बैंड्स बनाती है, फाइब्रस बैंड होते हैं जो कि इसे दीवारों के साथ जोड़े रखते हैं, लिंगेड करते हैं, किसकी, पेल्विक की। अब उसके बाद दूसरा हिस्सा जो इसका होता है, जो आपको ये बोल्ड या लाइनी फॉर्म में बोल्ड करके नजर आ रहा होगा, डार्क फॉर्म में ज्यादा हिस्सा, इसे हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। तो जो इसकी दूसरी लेयर होती है वो होती है मायोमेट्रियम, ठीक है जी, ये क्या जी, ये दूसरी लेयर है, अब ये जो मायोमेट्रियम है ये नॉर्मली मस्कुलर इन नेचर होती है और किसी भी यूट्रस के अंदर सबसे जो ज्यादा पोर्शन वो मायोमेट्रियम का होता है, ठीक है। किसकी बनी होती है, अभी हमने बात की मस्कुलर है, नॉर्मली कौन से, स्मूथ मसल, ठीक है जी, मस्कुलर है, स्मूथ मसल इनके अंदर पाए जाते हैं और ये कंट्रैक्ट रिलैक्स होती है, ठीक है, क्या करती है, ये कंट्रैक्शन में काम करती है, ठीक है, इसका काम क्या जी, कंट्रैक्शन करना, कब, दो वक्त में, ड्यूरिंग लेबर पेन इंड्यूस ठीक है जी, पहला काम क्या जी, जब बेबी की बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो पेन फीमेल को फील होती है, जो हाईली इंटेंस एक्सट्रीम पेन होती है, वो इस यूट्रस की जो स्मूथ मसल उनकी कंट्रैक्शन से होती है, जिसे लेबर पेन कहते हैं। बाद में ये लेबर पेन या ये कंट्रैक्शन स्पीड अप होती रहती है जिससे डिलीवरी हो जाती है। और तीसरा, ये जब कंट्रैक्ट करता है तो स्लग ऑफ हो जाता है, ठीक है जी। तो तीसरा क्या जी, जब दूसरा इसकी जब कंट्रैक्शन होती है तो स्लग ऑफ होता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं थी 28 डे साइकिल था फीमेल के अंदर, तो वो जो मैसेंचुरल होगा जो कि एंडोडर्म से निकल कर सारे का सारा बाहर ब्लीडिंग और डिस्पर्सल मटेरियल जाएगा, म्यूकस जाएगा, तो वो भी इसकी कंट्रैक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है। अब जो तीसरी लेयर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो सबसे अंदर की तरफ होती है, उसे हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है जी, इसे हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, एंडोमेट्रियम। अब ये जो तीसरी लेयर है ये एंडोमेट्रियम, इसके अंदर म्यूकस लेयर भी होती है, इसके अंदर मस्कुलर लेयर भी होती है,
ठीक है जी। एपिथेलियल मस्कुलर लेयर होती है नॉर्मली कॉलनर, ये दो लेयर्स, इसमें सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम में होती है। अब ये क्या करती हैं, जब यहां पे आके किसी एग या जाइगोड ने इम्प्लांट होना है तो इस एंडोमेट्रियम की जो सबसे बाहर वाली, ठीक है, एंडोमेट्रियम की भी लेयर्स हैं, इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी ये फ्लफी होना शुरू हो जाती है, इसकी एंडोमेट्रियम वेस्कुलराइजेशन होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल ज्यादा से ज्यादा बनना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा टाइट हो जाती है, यानी कि इस तरह की शेप हो जाती है। ये जो तीस लेयर बनती है, ठीक है जी, ये मेंटेनेंस ऑफ एग या मेंटेनेंस ऑफ जाइगोड के लिए होती है, ताकि उसको जो रिक्वायरमेंट है ब्लड वेसल्स की वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल पॉसिबल होता रहे। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो यही लेयर क्या होती है, पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम के ऊपर ये जो फ्लफी लेयर है ये टूट के ब्लड डिस्पर्सल की फॉर्म में सर्विक्स और देन वजाइना से बाहर चली जाती है। अब जो एंडोमेट्रियम की सबसे बाहर वाली लेयर थी, या हम लोग ये कह सकते हैं ये जो लेयर मैंने यहाँ पे बनाई है जो रेड कलर में आपको नजर आती है, जब 28 डे साइकिल चलता है मेंसुरेशन साइकिल, बेसिकली ये ही पूरी की पूरी निकल आती है बाहर टूट के ब्लीडिंग की फॉर्म में भी, और इसके पार्टिकल्स निकलते हैं। ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, इसका एक खास नाम होता है, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ठीक है जी। इसकी जो सबसे बाहर वाली है उसका नाम क्या जी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ये नाम होता है इसका। तो ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं जो मिलकर क्या करते हैं जी, एक यूट्रस को बना रहे होते हैं। अब उसके बाद यूट्रस और वजाइना के दरमियान, इसे हम लोग कॉलर भी कह सकते हैं, इसे हम लोग कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स भी कह सकते हैं, ठीक है जी, इसे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट भी कह सकते हैं। यूट्रस और वजाइना के दरमियान एक थोड़ा सा कंट्रक्शन पार्ट होता है जो कि कॉलर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के तौर पर काम करता है, इसे हम लोग कहते हैं सर्विक्स, ठीक है जी। सर्विक्स का काम क्या जी, ये ड्यूरिंग इसके इर्द गिर्द, क्योंकि हमारी फीमेल की बोन्स आ चुकी होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे मसल की कंट्रैक्शन होती है। जब डिलीवरी का प्रोसेस होता है, मैं सेंचुरेशन की बात नहीं कर रहा, उसमें कुछ नहीं होता इसके साथ, जब डिलीवरी का प्रोसेस होता है तो ये सर्विक्स डायलेट होता है, ठीक है जी। कब होता है, जब यहाँ से जो इर्द गिर्द बोन है वो थोड़ी सी मूव होती है। अब इस काम को पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोन होते हैं, ठीक है जी। पिट्यूटरी ग्लैंड की तीन लूप्स होती हैं, मिडन, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर लूप है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, वो इसकी डायलेशन में हेल्पफुल हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद सर्विक्स से नीचे एक मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है जी, मसल से बनी होती है, मसल सी, और इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 centimeter कहा जाता है, ठीक है जी। मिनिमम 8, मैक्सिमम 10, लेकिन नॉर्मली फीमेल्स की इन्हीं के दरमियान होती है 8, ठीक है जी, 8.5, 9, 9.5, इतनी रेयर चांसेस में। तो उस मस्कुलर, ठीक है जी, ट्यूब को हम लोग वजाइना कहते हैं। वजाइना क्या है जी, इसे हम लोग बर्थ कैनाल के नाम से ही पढ़ते हैं, ठीक है जी। इसका जो दूसरा नाम है उसे हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ इंटरकॉर्स, ठीक है, जब पीनस फीमेल की बॉडी में आता है, ये पहला पार्ट होता है जहां पे पीनस आता है, इससे आगे नहीं जा सकता। और जो इजैकुलेशन होती है, ठीक है, स्पर्म की रिलीजिंग होती है, वो वजाइना ही होती है जहां पे होती है। यहां से आगे फिर स्पर्म ने 6 दिन के फासला या 8 दिन के फासले के अंदर, 8 दिन में ये सारा फासला तय करते हुए, जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ लूप ऑफ फैनले की बात करें, जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब होगा वहां पे पहुंचेगा और एग की फर्टिलाइजेशन के। तो जो वजाइना होती है, ठीक है, जिसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि लास्ट यूट्रस सर्विक्स के बाद लास्ट जो स्ट्रक्चर होता है, जो ट्यूब होती है जहां से बेबी गुजरेगा, वो ये होती है। इसके बाद ओपनिंग होती है जहां से बेबी डिलीवर हो जाता है, इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में, अपने या दुनिया में आ जाता है। तो ये जो बर्थ कैनाल के नाम से पाई जाती है। अब जो वजीना होती है, इसके स्टार्ट के ऊपर, ठीक है जी, वजीना एक्सटर्नली हम लोग बात कर रहे हैं, ऊपर से नहीं, नीचे से, इसके स्टार्ट के बाद कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं जो बाहरी तौर पर हमें नजर आ सकते हैं। उन बाहर वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया के नाम से पढ़ते हैं, जो हम लोग इससे अगली वीडियो में पढ़ें। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा यूट्रस, ठीक है जी, उसकी डेफिनेशन, उसके फंक्शन, उसका शेप, डिफरेंट एनिमल्स में उसकी टाइप, जिसमें डुप्लेक्स, बाइपैराटाइट और सिंप्लेक्स आती है। फिर हमने यूट्रस की
स्ट्रक्चर बढ़ा के वो तीन लेयर से मिलके बनता है, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम जो कनेक्टिव है, फिर मायोमेट्रियम जो कि मस्कुलर है, और फिर एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम के ऊपर एक फ्लफी सी लेयर बनती है, उसकी एक्सटर्नल लेयर को हम लोग स्ट्रेटस फंक्शनल्स कहते हैं। और देन हमने पढ़ा सर्विक्स क्या होता है, ठीक है जी, फिर वजाइना, ठीक है। तो ये फीमेल का जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव या जिसे हम लोग इंटरनल जेनिटीलिया कहते हैं, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो होगा फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटीलिया। तो इसके मतलब अपनी राय में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह।